फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट ग्रुप एग्जाम। तो दोस्तों, मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ जनरल साइंस की वीडियो सीरीज, जिसमें कि आपको बहुत सारे जनरल साइंस के क्वेश्चंस कवर किए जा रहे हैं, जो कि पिछले एक साल में आरआरबी के द्वारा जितने भी एग्जाम हुए उसमें पूछे गए हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो की खासियत बता देता हूँ पहले आपको, क्योंकि आप देखिए जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज आप बहुत सारे चैनल से पढ़ते होंगे, वहाँ पे आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है और अच्छी पढ़ाई जाती है। बट दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको सिर्फ वही क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे जो कि पिछले एक साल में रेलवे ने जितने भी एग्जाम लिए हैं, लाइक आरआरबी एएलपी सीबीटी1 सीबीटी2 ग्रुप डी आरपीएफ आरआरबी जेई, इन सभी में जितने भी जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़ जाइए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पहले ही बता देता हूँ कि दिवाली से पहले हमारी जनरल साइंस और जनरल नॉलेज की वीडियोज एक एक दिन गैप करके आया करेंगी। आफ्टर दिवाली हम रेगुलर 3 वीडियो प्रोवाइड किया करेंगे, एक करंट अफेयर की, दूसरी जनरल साइंस और तीसरी जनरल नॉलेज की। तो दोस्तों, चलिए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक टकराव में हमेशा खाली स्थान की बचत होती है, ब्लैंक स्पेस इज ऑलवेज सेव्ड इन अ कोलिजन। तो दोस्तों, अगर कोई भी एक टकराव होता है तो उसमें हमेशा संवेग मोमेंटम की सेविंग होती है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए सही कथन है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द टू एलिमेंट्स विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। दोस्तों, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, एलिमेंट्स विल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जी हाँ दोस्तों, समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रेगिस्तानी पौधों की वह त्वचा एपिडर्मिस में किसकी एक मोटी मोमी परत होती है, इन द एपिडर्मिस ऑफ डिजर्ट प्लांट्स विच वन हैज अ पर्ल वैक्सी लेयर। तो दोस्तों, होती है क्यूटिन की। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त यीस्ट एक होता है, द यीस्ट यूज टू मेक डबल रोटी एंड बियर इज अ। दोस्तों, ये एक फंगस होता है जो कि डबल रोटी और बियर बनाने में यूज होता है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। परागण के बाद होता है, व्हाट हैपन आफ्टर पोलिनेशन। तो दोस्तों, परागण के बाद हमेशा उर्वरण होता है, डिस्क्रिप्शन। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई है, हु हैज रिटन अ बुकलेट नेम्ड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो दोस्तों, ये लिखी गई है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार के जानवरों की छोटी आंत सबसे लंबी होती है, विच टाइप ऑफ एनिमल्स हैज अ लॉन्गेस्ट इंटेस्टाइन। तो दोस्तों, जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं उनकी छोटी आंत सबसे ज्यादा लंबी होती है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रिकली नेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दोगुनी कर दी जाए तो, इफ द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी इज डबल देन। दोस्तों, इसका संवेग दोगुना हो जाएगा, अगर किसी भी पिंड की चाल हम दोगुनी कर देते हैं तो इसका मोमेंटम भी डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम क्षार को क्या कहा जाता है, व्हाट इज द सोडियम एंड पोटेशियम एल्काली ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड। दोस्तों, इसको साबुन कहते हैं, जिसको हम सोप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, हाउ इज प्रेशर डिफाइंड। दोस्तों, इस दाब को बोलते हैं प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस की नाभीय लंबाई होती है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज, दोस्तों कॉनकेव लेंस लेंथ की फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव होती है। दोस्तों ये रहा हमारा जनरल साइंस का क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि आपके लास्ट ईयर पूछे गए एग्जाम्स में पूछी गई थी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो आपको हमेशा प्रोवाइड कराते रहेंगे। और साथ में अगर आपको इस वीडियो की PPT चाहिए होगी तो ये आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है कि जैसे ही हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 1000 प्लस हो जाएंगे, हम आपको फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने साथ जोड़िए, ताकि हमारी फैमिली बड़ी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।